हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीनाज रसोई चैनल पर। और आजकल गर्मी की वजह से हम सभी लेडीजें यही सोचते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी हो जो आसान भी हो और जल्दी भी बन जाए। तो आज हम आपको दाल की बहुत ही आसान रेसिपी और जल्दी बनाने का तरीका बताऊंगी। दाल आप कई बार आपने बनाई होगी और खाई भी होगी, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से भी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो चलिए रेसिपी कर लेते हैं स्टार्ट। और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके लिए मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और प्याज बहुत ही बारीक कट करना है। और ये लिए मैंने एक कटोरी धुली हुई दाल, दाल को मैंने 2-3 बार धुल लिया है। और एक टमाटर को फाइन चॉप कर लिया है और 2 लिए हैं हरी मिर्च। अब ले लिया है ये कुकर, कुकर में अपनी धुली हुई दाल डाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज आपको बहुत ही बारीक कट करना है। और टमाटर को भी डाल दिया इसमें और डाल देंगे अपनी हरी मिर्च। अगर आप इसमें लहसुन भी डालना चाहते हैं तो लहसुन को कूट कर डालिए या बहुत ही ज़्यादा बारीक कट करके डालें। और इसमें रेगुलर मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच डाल दूंगी इसमें धनिया पाउडर। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। और 1 चम्मच डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच से कम डाला है गरम मसाला। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी कम से कम आपको 2 से 3 ग्लास पानी ऐड कर देना है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जैसे भी आप गाढ़ी या पतली दाल खाते हैं। अब इसमें ढक्कन लगा के आराम से 2 सीटी लगा देंगे। 2 सीटी आने तक का कर लेंगे इंतज़ार। 2 सीटी मेरी आ चुकी है तो अब ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं कि दाल का हल क्या हुआ है। और दाल आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, बहुत ही अच्छे से बॉईल भी हो चुकी है। दाल इधर पक चुकी है तो अब मैं कर लूँगी इधर तड़के की तैयारी इसकी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 2 से 3 चम्मच देसी घी। आप ऑयल में भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी का जब तड़का दाल में पड़ता है तो दाल का टेस्ट बहुत ही दुगना हो जाता है। तो इधर मेरा घी हो गया है गरम, तो इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। तो जीरा मेरा जब चटकने लग गया तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हींग। और हींग मैं अपनी सभी सब्जियों में ऐड करती हूँ, हींग खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैंने ली है कश्मीरी मिर्च, ये तीखी नहीं होती है। बस इससे क्या है, किसी भी सब्जी में डाल दो तो कलर अच्छा आ जाता है सब्जी। और मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2 साबुत वाली लाल मिर्च। बस तड़का मेरा हो गया है तैयार। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी अपनी पकी हुई दाल। और दाल को बहुत ही आराम से डालना है आपको, एकदम से डाल देंगे तो आपके ऊपर भी ये गिर सकती है। तो बस दाल को मैंने तड़के में कर दिया है ऐड। तो अब गैस का फ्लेम स्लो करके 3 से 4 मिनट दाल को और धीमी आग पर अभी पकाएंगे। तो ये देखिए दाल मेरी खोलने लग गई है। इधर दाल मेरी खोल रही है तब तक मैंने अपने चावल भी बनने रख दिए हैं। दाल और चावल का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है और दाल के साथ वैसे भी चावल खाना सभी लोगों को पसंद है। तो लीजिए, दाल में तड़के का भी स्वाद आ गया है और मैंने गैस कर दी है बंद। दाल बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इस दाल को आप चपाती के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी भी बन जाती है इस तरीके से दाल। तो इधर मेरे चावल भी बनकर हो गए हैं तैयार। तो मैंने इन्हें कर लिया 1 प्लेट में सर्व। अब ऊपर से डालेंगे गर्मा गर्म ये अरहर की दाल। तो आप इस तरीके से दाल और चावल बनाकर झटपट से मॉर्निंग में बच्चों को लंच बॉक्स में भी दीजिए, बहुत ही हेल्दी भी होता है। पूड़ी या पराठा देने से ये ज़्यादा बेस्ट है। तो दाल की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।